कराची में जहां दीगर कारोबारी हजरात परेशान हाल हैं, वहीं क्रॉकरी के काम से वाबस्ता अफराद भी खुश नहीं। दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 से 2.5 साल कबल भी इतनी महंगाई नहीं थी कि जिस हिसाब से अब हो गई है। उस वक्त गरीब बच्चियों के जहेज के लिए जो सामान दिया जाता था वो 30,000 रुपए में मुकम्मल पैकेज होता था, लेकिन आज वही पैकेज 1,00,000 रुपए से जायद का है। लियाकताबाद क्रॉकरी मार्केट के दुकानदारों ने सच्चल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अब कोविड वायरस जुम्मे और इतवार के ही रोज ज्यादा लगने का खतरा है। वायरस तो वायरस है, वो कभी भी कहीं भी लग सकता है। लॉकडाउन लगाना मसले का हल नहीं। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने वाली महंगाई से पहले ही परेशान हैं और फिर लॉकडाउन की वजह से 2 दिन कारोबार बंद रखना पड़ रहा है। लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी है। काम हमारे बच्चे बाहर होता जा रहे हैं। ड्यूटी हमने कल 20 रुपए की मिल रही थी, आज वो 100 रुपए की मिल रही है। तो हमारे लिए तो परचेजिंग मसला है, हम उसको आगे सेल कैसे करें। महंगाई का शिकार सिर्फ हम लोग नहीं हैं, हमारी आवाम उससे ज़्यादा है जो हमसे खरीदती है। आप मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, आपके सामने हालात नहीं, क्या हाल है मार्केट के। इसके अलावा इन्होंने शोशा छोड़ दिया चाइना का, उससे ज़्यादा महंगा, उसको भेजना एक मसला। कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला इमरान साहब ने जो कहा है ना कि घबराना नहीं, तो वाकई में हम नहीं घबराएंगे, हम भी बाहर कपड़ा बिछा के बैठे हुए होंगे। मेरे हिसाब से तो ये बेवकूफ़ी है कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना। भाई अगर लगाना है तो पूरे हफ्ते का लगाइए लॉकडाउन, या कोरोना 2 ही दिन इलाके में घूम रहा है, लगाएं तो पूरे हफ्ते में लगाएं तरीके से, और लोगों को फिर सहूलतें भी फराम करें। तो लोग जो भूखे बेचारे हैं और खाने पीने के लिए बहुत परेशान हैं, तो उनको सहूलत दें। लॉकडाउन लगाने का गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या है? भाई हमसे पूछे, हम सुबह से शाम बिस्मिल्लाह तक से परेशान हैं। अंदाजा लगा लें सुबह 11 बजे की शॉप लगी है, अभी तक 1 रुपये का काम नहीं। ग्राहक आ रहा है तो बोलता भाई हम लोग इतने का खरीदा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और अब ये हाल है कि तब्दीली बार उन्होंने ये कर दिया, ये तब्दीली किसी करें। एक बच्ची का शादी का नवाज शरीफ साहब के दौर में 30,000 का 1,00,000 रुपये का। दुकानदारों ने बताया है कि मिसाल के तौर पर जो चीज़ पीटीआई हुकूमत से पहले 100 रुपए की थी, वही चीज आज होलसेल में 250 से 300 रुपए की आ रही है, तो रिटेल में वो किस नर्ख में जाएगी। खरीदार हमसे सवाल करते हैं कि पहले यही चीज इतने की थी और अब ये इतनी महंगी क्यों हो गई, उन्हें हम क्या बताएं? ये भी सही नहीं है और हफ्ता इतवार भी सही है। अगर लॉकडाउन इस वजह से किया जा रहा है कि लोगों का जमन खफीर हुकूम इकट्ठा ना हो, कोविड जो फैलता है वो हुकूम की वजह से फैलता है, इन्हें चाहिए कि एक इतवार के दिन पूरा लॉकडाउन कर दो। तो कराची की बात करो, पूरे कराची में लॉकडाउन सख्त किस्म का, जस्ट लाइक कर्फ्यू आप उसको कर दें, उसमें कोई पेट्रोल पम्प तक आप बंद करा दें, और संडे के दिन से 2 दिन पहले की आप फिगर देख लें कि कोविड की क्या फिगर थी, और संडे के बाद देख लें कि बंद करने के बाद क्या हुई। तो ये मेडिकल के लिहाज से आपको कंपेरिजन मिल जाएगा इन 4 दिनों का, ताकि उससे आपको अंदाज़ा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट बंद नहीं जाएगा, लेकिन अगर मार्केट हमारी बंद हो जाती है लेकिन अशियाएँ ज़रूरिया के नाम पर मार्केटें खुली रहती हैं, तो लोग तो बाहर निकलते हैं। अब जो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हुजूम भी इकट्ठा होता है। तो मार्केटों की टाइम अगर आप 6 बजे करते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन बंद करने का रास्ता नहीं, अब संडे को जाहिर है बैंक भी बंद होगा, ऑफिस भी बंद होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी बंद होगा। ये बड़ा गलत हो रहा है। आप देखें ना कि 5 दिन में आप कारोबार हो, जुमे वाले दिन क्या होता है कि बहसीत मुसलमान के कि रमज़ान के महीना इनको सोचना चाहिए हदीसों को कि जुमे का दिन होता है मोतबर। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश से पहले अंग्रेज़ों ने इतवार की छुट्टी करवाई थी इंडियन में, उन्होंने बोला हमें चर्च जाते हैं। आप मुसलमान हो, आप जुमे की छुट्टी कर रहे हो, समझ में आ रही थी। अब हफ्ते की छुट्टी का मकसद हो गया, आप एक मॉर्निंग की छुट्टी बचाने के लिए कारोबारी लोगों के 3 दिन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ऑलरेडी आपके पास कराची पे कितना ज़्यादा बटन है, कितना लोग परेशान हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, और प्लस ये कि ये जो दूसरे मसले चल रहे हैं, मसाइल वो अपनी जगह है। यानी आपने कोई मराद, कोई सुकून लोगों को नहीं दिया, अलावा टेंशन, अलावा परेशान थे और कुछ भी नहीं दिया।
खातून खरीदार ने कहा कि मार्केटें दुकानें 6 बजे तक बंद करने का हुकूमती फैसला किसी सूरत दुरुस्त नहीं, इसमें लोग कैसे कारोबार कर सकते हैं। महंगाई तो चलो जैसे तैसे हो ही रही है, उस पर तो कोई वो नहीं है कि उसके बाद कोई बात की जाए, लेकिन ये जो लॉकडाउन का मसला है ना खास करके ये कि 6 बजे तक आप बंद कर दें। अब ये बताएं कि लोग जाहिर है कि कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे इसके अंदर। सैटरडे संडे से फिर लोगों ने बंद करने का कहा, पहले फ्राइडे संडे हो रहा था लेकिन अब सैटरडे संडे कर दी, अब वो बंद करें तो कम अज़ कम चलो ठीक है, हम लोग उनकी मान लेते हैं कि करोना है तो सिर्फ 2 दिन में करोना नहीं आता क्या, ठीक है पहली बात है। दूसरी बात ये कि 6 बजे तक का क्या कुछ बनता है, लोग शाम में निकल रहे हैं, बकौल आपके कि शाम में निकलते हैं तो कम अज़ कम उनको 10-11 बजे तक की तो इजाज़त दी जाए ना। ये है बस आवाम का खास यही एक मौकफ है जिस पर वो बोलते हैं। छोटे कारोबारी हजरात 2 दिन कारोबार बंद होने पर शदीद गम गुस्से में हैं। कहते हैं कि क्या कोविड वायरस जुम्मे और इतवार को ही हमला आवर होता है और अब लॉकडाउन का दिन तब्दील करके हफ्ता और इतवार कर दिया गया है, ऐसे में किस तरह कारोबार को जारी रख सकेंगे, समझ से बालातर है। कैमरामैन आमिर काजमी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़ कराची।